अगरचे बहुत से लोग जवामर्गी का शिकार होने वाली परवीन शाकिर को 80 और 90 की दिहाई की मारूफ तरीन शायरा के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने सिविल सर्विस में भी अपना एक नाम और मुकाम पैदा किया और उन्हें एक बेहतरीन ऑफिसर तस्लीम किया गया। यह हकीकत है कि मोहब्बत और खुशबू की शायरा कहलाने वाली परवीन शाकिर CSS का इम्तिहान पास करने के बाद सन 1982-83 में सिविल सर्विसेज अकेडमी में बेहतरीन प्रोबेशनर ऑफिसर करार पाई थी। परवीन शाकिर बाद हजार पाकिस्तान कस्टम्स में शामिल हुई और सन 1986 में इस्लामाबाद में FBR की सेकंड सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हो गए। सन 1976 में उनकी पहली किताब खुशबू को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया, जबकि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। परवीन शाकिर का सन 1976 से सन 1994 तक का अरसा सरकारी मुलाजमत और एक शायरा के तौर पर पब्लिक सेक्टर में उनके बेमिसाल काम की अक्कासी करता है। उर्दू अदब के मुनफरिद लहजे की हामिल परवीन शाकिर 24 नवंबर सन 1952 को कराची में एक मजहबी घराने में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन था और इनके खानदान में कई नामवर शोरा और अदबा पैदा हुए, जिनमें बहार हुसैन आबादी काबिले जिक्र है। परवीन शाकिर के नाना हसन अस्करी अच्छा अदबी जौक रखते थे। उन्होंने बचपन में परवीन को कई शोरा के कलाम से रोशनास कराया। परवीन एक होनहार तालिबा थी। दौरान तालीम वो उर्दू मुबाहसों में हिस्सा लेती रहीं। इसके साथ साथ वो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी और अदबी प्रोग्रामों में भी शिरकत किया करती थी। उन्होंने अंग्रेजी अदब और जुबानदानी में ग्रेजुएशन किया और बाद में इन्हीं मजामीन में जामिया कराची से MA की डिग्री हासिल की। सरकारी मुलाजमत शुरू करने से पहले 9 बरस तक शोबा तदरीस से मुंसलिक रहीं और सन 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट CBR इस्लामाबाद में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देने लगी। सन 1990 में अमरीका के ट्रिनिटी कॉलेज से तालीम हासिल की और सन 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई, जिनसे इन्होंने बाद में तलाक ले ली। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू अदब में एक ताज़ा हवा का झोंका था। उनके मुनफरिद शायरी का मौजू औरत और मोहब्बत है। इनके मजमूआ कलाम में खुशबू, सदेबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम काबिले जिक्र है। परवीन शाकिर को उर्दू के मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। परवीन ने अभी शायरी के मैदान में बहुत आगे जाना था, लेकिन 26 दिसंबर सन 1994 को ट्रैफिक एक हादसे में इस्लामाबाद में महज 42 साल की उम्र में वो खालिक हकीकी से जा मिली और इस्लामाबाद ही के मरकजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुई। अगरचे परवीन शाकिर को गुजरे कई बरस बीत गए, लेकिन अपने खूबसूरत अशार के जरिए वो हमेशा महकती रहेंगी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।